और अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बीच में ग्लू लग रखूंगी। तीन भाई है, मतलब हम जो तीनों दोस्त है, एक संबलपुर के और एक छत्तीसगढ़ की, और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तो हम क्या, हम अपने पति को छोड़कर एक दूसरे को राखी बांधते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? वीडियो हो गया ना खत्म? हाँ, खाना खा रहे हैं। हाँ, साई भी खा रहा है क्या? हाँ, मैं खाना हो गया। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल सुहानी विद मम्मीज ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कल है रक्षाबंधन, तो आज एक दिन पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ रक्षाबंधन से एक दिन पहले। फ्रेंड्स, सुहानी उसके पापा तैयार कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपरेशन, तो बोल रही थी आज मम्मी जल्दी पढ़ाई वगैरह कर लूँगी और इवनिंग का टाइम, और पापा और मैं बैठ के वो जो मिट्टी की हांडी लेके आई थी ना वो सब सेट, तो उसका एक वीडियो बनाने वाली थी, तो बोल रही थी पापा आज बना देंगे, तो मैं ठीक है आप लोग करो। तो वो गैलरी में है, शायद हो चुका है उनका वीडियो, अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। शायद आवाज़ सुनाई दे रहा है कि हो गया उनका वीडियो कंप्लीट। चलो आप लोग दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? वीडियो हो गया ना खत्म? हाँ, खाना खा रहे हैं। हाँ, साई भी खा रहा है क्या? हाँ, मैं खाना हो गया। वो देखो पूरा राइस ही खत्म हो गया, दिखाओ। और पूरी भी खत्म हो गया, बस दो बचा है, मैं खा लूंगी वो, उसको बहुत अच्छा लगा पूरा। और मम्मी आपने सब्जी टेस्ट करो, लो सब्जी टेस्ट करो मम्मा। मैं करती हूँ बाद में, लेकिन अच्छा स्मेल आ रहा था मुझे उधर से। हाँ ना, उधर से मैं इसलिए बीच में आ रही थी देखने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो। खा रही हूँ मिट्टी का हांडी का, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे बर्तन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका जो टेस्ट है ना मिट्टी के हांडी का, वो अलग ही है सच में। हम जब बचपन में, मैं वही सुहानी को बोल रही थी, हम बचपन में जब जाते थे ना, मैं नानी वो चूल्हे पे बनाती थी, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तो गैस स्टोव है सबके घर में, और चूल्हा किसी भी अभी नहीं है, गांव में भी अभी आजकल गैस स्टोव हो चुका है, लेकिन पहले के कोई कोई ऐसे अभी भी बनाते हैं, लेकिन पहले के ज़्यादातर बनाते थे, और उसका जो स्वाद है ना वो अलग ही है। अब घर पे गैस स्टोव में दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, उसका स्वाद और उसका स्वाद पूरा अलग ही है, डिफरेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बोल दिए थे कि मेरे लिए चाय बना देना जब वीडियो एंड होगा, तो अभी वीडियो एंड हो चुका है, अभी बोलने से पहले चलो चाय बना के दे दूंगी उनको। अभी गैलरी का पूरा साफ कर दी, पूरा ब्लैक था, बहुत टाइम लगा। और फ्रेंड्स ना, मैं कल से बहुत टायर्ड हूँ, मतलब आपको तो पता है कल था मेरा बर्थडे, तो बर्थडे के दिन पूरा दिन भर में काम में लग गई थी, सुबह बड़ा सब्जी बना, आप तो वीडियो में देखे हो ना, पूरा दिन भर काम में, रात को फ्रेंड्स सब आए, रात को सोते सोते लेट हुआ, और आज सुबह भी बहुत सारे कपड़े थे, बारिश भी चार दिन से कंटिन्यू हो रहा था, और आज थोड़ा सुबह के टाइम थोड़ा बारिश नहीं हुआ था, अभी जस्ट हो रहा है बारिश, थोड़ा टिप टिप हो रहा है, तो आज पूरा धूप में मेरा कपड़ा थोड़ा बहुत सूख गया, और जितने सारे था पूरा कपबोर्ड पूरा नीट क्लीन करके, मतलब पूरा साइज करके रखी हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का पूरा मेरा कुर्ती वगैरह है, और ये साइड में नीचे में पूरा ड्रेस वगैरह, इससे पूरा आज पूरा कपबोर्ड पूरा साइज करके रखी हूँ, आपको कभी दिखाऊंगी कपबोर्ड में कैसे रखती हूँ, कहाँ पे क्या है। और अभी तो रात हो चुका है, और अभी ये दिन में कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल है रक्षाबंधन, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और एक हमारे तो भाई सब उधर ही हैं, मेरे भाई, सुती के भाई सब उड़ीसा में, तो यहाँ पे सुती के भाई है, दो भाई हैं, तीन भाई हैं सुती के, यहाँ पे जहाँ पे हम रेंट में रहते थे, तो बचपन से वो राखी बांधी है, तो वो एक उसका भाई आएगा, फ़ोन करके अभी पूछी तो आप कितने बजे आओगे, वो ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो बोला कि मैं आऊँगी तो आंटी 9 बजे आ जाऊँगा सुबह सुबह, तो वो आएगा सुबह 9 बजे। और एक भैया है हम, तो और एक उसकी, अभी उसकी बात कर रही थी, तो और एक, हाँ क्या हुआ, और सुहानी के दो भाई, और एक जो भाई था ना वो वाला, वो तो गया, वो तो गया कलकत्ता, छोटा था हाँ, वो भी राखी बांध रही थी, तो वो गया कलकत्ता, और दो यहाँ पे है, तो कल सुबह एक आएगा और एक ये जाएगी बांधने के लिए, तो आपको
नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को, साई को आपको क्या मिलेगा वो कल आप दिखाना, बहुत एक्साइटेड कल दिखाना, मतलब कल आपको मिलेगा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहे, थकान की वजह से आपको तो आँख में से पता चल गया होगा, मुझे इतना टायर्ड लग रहा है। और हाँ, उसके जो भाई वो जाएगी तो जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा वो कहाँ जाएगी, वो किसको बांधेगी राखी, तो वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मेरे भी जो यहाँ पे तीन भाई है, मतलब हम जो तीनों दोस्त हैं, एक संबलपुर के और एक छत्तीसगढ़ की, और हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हम क्या हम अपने पति को छोड़कर एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और तो वो भैया वो भी जा रहे ड्यूटी, गए साल तीनों भी मिलके थे, तो एक भैया जा रहे हैं वो ड्यूटी, तो बोले मैं सुबह सुबह आऊँगा 7:30 बजे। चलो ये लो बिस्किट, लो जाओ इसलिए मम्मी बिस्किट दो मेरे पीछे पड़ा है। मम्मी मेहंदी भी डाल देना ना, कर रखा बाद में रुको, मैं खाना पकाना पहले करती फिर। और मम्मी मैं राखी भी बनाऊंगी। ठीक है आप बना के दिखा ना, थोड़ा रुको। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो मेरा आपका नहीं मेरा भी दिखा। तो देखो ऐसे बच्चे कौन होंगे अपने गिफ्ट मांगने के लिए राखी बांध रही है ना, गिफ्ट लेने के लिए देखो कितना ही हो रही है। ऐसे कोई है कमेंट करके आप बोलो, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉग एडिटिंग करते करके जब आएगा ना आपके पास वो रक्षाबंधन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा देती हूँ, नहीं तो वो तो बाद में देखेंगे क्योंकि उन लोगों को मिल गया होगा, वो देखने से कुछ भी अभी नहीं है, नहीं तो उनके पहले दिखा देती तो उनको पता चल जाता क्या है। तो अभी टेंशन कुछ भी नहीं है, एडिटिंग करके तो जब मैं भेजूंगी वो तो रक्षाबंधन दूसरे दिन हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेटा आप बनाने वाले थे ना राखी होममेड वाला, वो आप बोल रहे थे मैं फ्रेंड्स लोगों को दिखाऊंगी, आप जब प्रिपरेशन करो तो ये वाला कलर एक है फ्रेंड्स, ये वाला कुट्टी मैं पूरा नहीं खोल रही हूँ, ऐसे ही दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए मुझे तो ये पसंद आया, ये अनुराधा आंटी के लिए और ये संध्या आंटी के लिए, मुझे ये वाला बहुत ही पसंद आया, दोनों भी कुर्ती अच्छा लग रहा है। आप बोले कमेंट करके आप लोगों को कैसे लगा ये दोनों कुर्ती, वो अपने दोनों बहने के लिए लाए हैं और कल जाएंगे तो उन लोगों को देंगे। और हाँ वो सुहानी ने जल्दी मतलब पैक कर ली, मैंने पैक किया है। तो इसमें है बार्बी डॉल है, मैं आपको बोल दी हूँ बार्बी डॉल है। एडिटर वाले पापा जी थोड़ा वॉल्यूम कम करो, उसका राखी का होममेड वाला मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स लोगों को। हाँ थोड़ा काम करो, हाँ चलो बंद कर दो। फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी होममेड राखी, और ये है मैंने सर्कल काट के रखा था और इसमें ड्राइंग शीट लगा दिया था व्हाइट शीट। और अब मैं इसमें क्या करूंगी, ये है ईयरबड्स, तो इसको मैं क्या करूंगी कलर में डीप करके यहाँ पे साइड साइड में डिजाइन बना दूंगी। यहाँ पे मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और इसका जो स्टिक था ना इसको मैंने कट कर दिया था, एंड ये अभी सूख चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके पूरे जो गोल 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 जो है ना साइड में इसे स्टिक कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा साइड्स में लगा दिया है, और अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बीच में ग्लू रखूंगी। क्या बोले, मेरी कंप्यूटर के टेबल के आसपास पानी नहीं आना, घर थोड़ा मुंह को दिखाओ थोड़ा, ये इंसान को देख लो, एक बार देख लो नहीं चार बार देख लो इंसान को, 10 बार 1000 बार नहीं करोड़ों बार। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ग्लू अच्छे से डाल दिया है, मतलब लगा दिया है, और अब मैं ये स्मॉल स्मॉल बीड्स यहाँ पे सजाऊंगी। सो फ्रेंड्स उसको तो टाइम लगेगा, मैं पहले खाना पका लेती हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स मेरा पकाना हो चुका है, और यहाँ पे बिठाई हूँ लौकी की सब्जी और आटा गूंद के रख चुकी हूँ, और भी जाती हूँ सुहानी जो आधा बनाई है पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ अरे मैं भूल गई थी और एक चीज़ है, कल ब्रेकफास्ट के लिए भी मैं
कुछ भी बनाना है, इडली वगैरह बनाना है तो उसको भिगो के रखे, उसका पेस्ट बना देती हूँ। अच्छा हुआ आप लोगों के साथ बात करके मेरा याद आ गया, चलो मैं पहले पेस्ट बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पेस्ट बना के रख चुकी हूँ सुबह के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये वाला चना दाल भिगो के रखी हूँ सुबह सब्जी बनाने के लिए ब्रेकफास्ट में। तो चलो अभी सुहानी के पास चलेंगे। अभी सूख गए हैं? चलो सूख गए ना, अभी क्या करोगे? अभी इसको कलर तो मैं इससे करूंगी, कलर से वो बाद में देना। हाँ चिपका दो पहले। साई आपके लिए, देखो दीदी के आपके लिए कितना अच्छा राखी बनाई है, देखो वो वाला है, वो तो रेडीमेड लाई है मम्मी, ए मम्मी बोल रही हूँ सॉरी, दीदी हाथ से बनाई, खुद हाथ से बनाई है आपके लिए। और कितना अंदर आता हाँ बोल, आपको दो बहनें राखी बांधेंगी, सुनो देख, देखो भाग के चला गया। दो बहनें आपको बांधेंगी, एक तो मैं और एक परी दीदी। कल जाएंगे बांधेंगे, ठीक है? अभी राखी बांधेगा कि कल? आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब दीदी को गिफ्ट मिलेगा, आप खुश हो? दीदी को सब देखते देखते रक्षाबंधन में लड़कियों को ही मिलता है। ओ कितना अच्छा बात बोला, दीदी को देखते देखते मैं खुश हूँ। आप सीखो, उन लोगों का ऐसे ही चलते रहेगा बाप बेटी का। चलो आप पहले जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, कल जो पहनूंगी वो निकाल के पहले रख देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। सुती आप कल क्या पहनोगे तैयार करके रख दो, नहीं तो फिर सुबह सुबह फिर गड़बड़ी रहेगा, फिर मिलेगा नहीं, एक मिले तो दूसरा नहीं मिलेगा। वो कल पहनोगे आप लोग, आप वो लोग देख लेंगे। आप रखो, आप जो जो पहनना है एक साइड में फोल्ड करके रख लो, तो रख लो फिर सुबह नेक्स्ट दिन। मैं कल डिसाइड करके बोलूंगी, आज तो मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। तो जो ठीक लगे वो पहन लो। और इतने सारे कान के हैं, मुझे नहीं समझ रहा कि मैं कौन सा पहनूं, और एक्स्ट्रा और एडेड भी हो गया है। छोटा छोटा पहनना, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं पहनना, ठीक है? कल मैं कुर्ती पहनूंगी। पापा बर्थडे के दिन मंगाए थे लेकिन उस दिन नहीं पहन पाई, तो रक्षाबंधन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कल पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी रक्षाबंधन के दिन, ठीक है? अभी बस तैयार करके मैं रख देती हूँ, ठीक है? तैयार करके रख देती हूँ, और इयर रिंग सोच रही हूँ रिंग वाला पहनूँ, नहीं तो अलग सा पहनूंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तैयार करके रखती हूँ, अब जाती हूँ राखी वगैरह एक जगह रख दूंगी। वो राखी का बैग कहाँ गया? अब रखे हो? और मम्मी राखी होने के बाद आपको मेहंदी भी डालना है, पता है? ठीक है ना, रुको राखी पहले रख देती हूँ, पाँच छः साढ़े चार उठेंगे ना, एक दिन क्या हो गया। तो राखी का बैग मिल गया है, और मम्मी दिखाएगी राखी और मम्मा? मैं पहले से दिखाई हूँ, अभी यहाँ पे रख देंगे, एक कोने में रख दिए तो मिल जाएगा जल्दी, नहीं तो उधर उधर हो जाएगा, मिलेगा नहीं। चल ला लो, मेहंदी डाल दूंगी, वो काम खत्म हो जाएगा मेरा। देखिए सुहानी के हाथ में मेहंदी डाल चुकी हूँ, आप लोगों को पास में दिखा देती हूँ, मुझे तो ठीक से नहीं आता, जो जितना आता है मैं आप लोगों को। सो फ्रेंड्स देखो पास में आप लोग दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बोलना। सो फ्रेंड्स आपको तो बोली थी लौकी की सब्जी मैं बनाई, आप लोगों को पास में दिखा देती हूँ लौकी की सब्जी कैसे बना है। देखिए फ्रेंड्स मेरी लौकी की सब्जी, अच्छा स्मेल तो आ रहा है, लौकी है और एक एक में थोड़ा फल्ली भी डालनी हूँ तो बहुत। तो फ्रेंड्स आज का तो तैयारी आप लोगों को दिखाई, ड्रेस वगैरह रख ली, इडली वगैरह वो कल के लिए ब्रेकफास्ट के लिए पेस्ट बना के रख ली, राखी भी एक साइड में रख दी हूँ, तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए मैं इसे सब रख रही हूँ, मेरा तो ऐसे ही प्रिपरेशन रहता है। और आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट करके बोलना ज़रूर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लॉग को एंड करते, फिर मुलाकात होगी न्यू ब्लॉग के साथ रक्षाबंधन के साथ। तो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, और नया होंगे तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।